जय हिंद दोस्तों, झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। नल जल योजना के तहत पंचायत में अब तक नहीं हुआ है किसी भी प्रकार के काम की शुरुआत। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का नहीं मिल पा रहा है पंचायत वासियों को कोई भी लाभ। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता एवं जिला उपायुक्त से भी कर चुका हूं लिखित शिकायत। शिकायत के बाद मिले आश्वासन के उपरांत भी नहीं हुआ है इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई। इस भीषण गर्मी में गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं पंचायतवासी। कार्यपालक अभियंता एवं जिला उपायुक्त अविलंब लें इस विषय पर संज्ञान। आइए आपको सुनाते हैं और भी क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रेम्बा के मुखिया धीरेंद्र मंडल ने। जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत में आपका स्वागत है। इस समय मैं जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत रेम्बा में यहाँ के मुखिया और ग्रामीणों के साथ उपस्थित हूँ। मुखिया जी से बात करेंगे और पंचायत में जो वर्तमान में कुछ समस्याएं इनके संज्ञान में है उन समस्याओं पर इनकी राय लेंगे। साथ ही साथ यहाँ के जो ग्रामीण है पंचायतवासी हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के विषय में यहाँ के ग्रामीणों की क्या राय है। आइए पहले बात करते हैं मुखिया ग्राम पंचायत रेम्बा से। मुखिया जी आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहेंगे कि पंचायत की जनता ने आपको बतौर मुखिया काम करने का अवसर दिया। अब आप ये बताएं कि पंचायत में जो आप जनता की प्रमुख समस्याओं को देख रहे हैं, जो आपकी संज्ञान में समस्याएं आम जनता की हैं, वो प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं? देखिए समस्याएं तो अनेक है, लेकिन अभी तत्कालीन जो अभी जल नल की जो समस्या है, जो केंद्र सरकार ने जल नल की योजना 2024 तक संपूर्ण भारत में संपन्न करने का जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूँ कि इसमें भारी भरकम में लूट और खसोट है। आपने नल जल योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजना में लूट खसोट की बात को स्वीकार किया है, किस तरह से आप ये कह सकते हैं कि योजनाओं में लूटपाट चल रही है? क्योंकि पिछले साल से ही मुझे यहाँ नीड मिला जा रहा है, खबर मिल रही है कि जल नल योजना आपके पंचायत में करना है। आज तक न कोई बेहतर पदाधिकारी हमसे संपर्क किया है और न ही कोई उस तरह का ठेकेदार जो यहाँ जल नल योजना के बारे में बेहतर रूप से सोच सके। जिले के विभिन्न प्रखंडों की विभिन्न पंचायतों की अगर बात की जाए तो नल जल योजना के तहत लोगों के घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, काम चालू है, काम कहीं कहीं समाप्त भी हो चुका है। आपके पंचायत की क्या वर्तमान स्थिति है, नल जल योजना यहाँ पर कैसी है? मेरे पंचायत में जल नल योजना की अभी शुरुआत हुआ ही नहीं। तो आपने क्या इस संबंध में कभी भी बतौर मुखिया कार्यपालक अभियंता ग्रेडी को सूचित किया है? बिल्कुल, कार्यपालक अभियंता को भी मुख्य सूचित किए हैं। उसके बाद लिखित सूचित हमने डीसी साहब को भी दिया कि जल नल योजना में भारी भरकम कर जो लूट हो रही है इसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जहां जहां भी जल नल योजना जिस पंचायत में हुआ है आज कहीं भी कारगर नहीं, ये देखने का चीज है, सुनने का चीज नहीं है। कहीं भी लाइव देख सकते हैं ठेकेदारों ने कुछ जगहों पर बोरिंग कर करके मुखिया से एनओसी लेकर के वो पूरे बेहतर रूप से अपना जो बिल है उठाने का काम कर रहा है, ना कि जल नल योजना देकर के जनता का सुविधा देने का काम कर रहा है। नल जल योजना पर आप एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, पंचायत में नल जल योजना अभी शुरू भी नहीं हो पाया है, आपने इसको लेकर सूचित किया है कार्यपालक अभियंता को। नल जल योजना के विषय में उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप संबंधित विभाग को सूचित करेंगे और अपने पंचायत में इस योजना के तहत काम भी चालू करवाएंगे ताकि पंचायतवासियों को इस योजना का लाभ मिल सके। बात अगर अन्य योजनाओं और सुविधाओं की बात की जाए तो सरकार की जो योजनाएं और सुविधाएं पंचायत वासियों के लिए होती है, आप अपने स्तर से अपने पंचायत की जनता को उन योजनाओं और सुविधाओं का कितना लाभ दिलवा पाए हैं अब तक? देखिए मैं इस लोकतंत्र भारत के माध्यम से हम उस कार्यपालक अभियंता को और प्रशासन को भी मैं सूचित करना चाहूंगा कि मेरे पंचायत में किसी भी कीमत पर लूटपाट होने की संभावना नहीं रखे। अगर वो लूटपाट की संभावना रखता हो तो वो दिमाग से हटा दे, क्योंकि मुझे पता है जल नल योजना किस तरह की किस एस्टिमेट से उसका एस्टिमेट बना हुआ है, उसकी कहीं भी देख रेख नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम पूरा करके उन्होंने बिल उठाने का जो काम कर रहा है, मैं अपने पंचायत में नहीं हूँ। पंचायत की जनता ने जिन आशाओं के साथ आपको बतौर मुखिया चुना है, क्या जनता की वो आशाएं जो है वो आपसे पूरी होंगी? बिल्कुल पूरी होगी। चलिए आप सुन रहे थे ग्राम पंचायत रेम्बा को, जो कि नल जल योजना के विषय में प्रश्न खड़े कर रहे थे। नल जल योजना इस पंचायत में शुरू नहीं हो पाई है और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस पंचायत में नल जल योजना शुरू होगी, क्योंकि कार्यपालक अभियंता को ये सूचित करेंगे कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम शुरू करवाया जाए। इस विषय को लेकर इन्होंने उपायुक्त
महोदय को भी सूचित किया है। उम्मीद करते हैं कि इनके नेतृत्व में जल नल योजना यहाँ पर चालू भी होगा और पंचायत की जनता तक नल जल योजना के माध्यम से पानी भी जो है शुद्ध पेयजल जो है पहुंचेगा। धन्यवाद।